साल 2016 के जेएनयू देशद्रोह मामले में पुलिस की चार्जशीट पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें कुल 46 आरोपी बनाए गए हैं। इन आरोपियों में कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनुर्बन भट्टाचार्य और 7 कश्मीरियों समेत 10 आरोपियों के नाम कॉलम 11 में दर्ज किए गए हैं, जिसका मतलब ये है कि इन आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल गए हैं। न्यूज 18 के पास इस चार्जशीट की एक्सक्लूसिव कॉपी भी है। न्यूज 18 इंडिया के पास उस चार्जशीट की कॉपी मौजूद है, जिसमें कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनुर्बान भट्टाचार्य समेत 7 कश्मीरी छात्रों को मुख्य आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में पुलिस ने उन गवाहों का जिक्र किया है जिन्होंने पुलिस और कोर्ट में कन्हैया के खिलाफ बयान दिए थे। इसके साथ ही कन्हैया के खिलाफ पोस्टल के प्रॉक्टर को की ओर से की गई निलंबन की कार्रवाई को भी सबूत के तौर पर पेश किया गया है और उन वीडियो का भी जिक्र है जिनमें कन्हैया छात्रों की अगुवाई करते हुए दिखाई दे रहा है। उमर खालिद का कन्हैया कुमार को भेजा गया SMS जिसमें उन्होंने कन्हैया को ढाबे पर बुलाया था, उसका भी चार्जशीट में जिक्र है और कन्हैया की मोबाइल लोकेशन के बारे में भी बताया गया है कि वो घटना के वक्त JNU में उस जगह ही मौजूद थे। चार्जशीट में उस पोस्टर को भी सबूत के तौर पर पेश किया गया है जिसमें उमर खालिद का नाम कार्यक्रम के संयोजक के तौर पर छपा था। साथ ही उमर खालिद के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड की डिटेल भी दी गई है जिनके हिसाब से वो अनिर्बन और कन्हैया से लगातार संपर्क में थे। जम्मू कश्मीर के त्राल में 5 जनवरी को हुई मुठभेड़ में घायल CRPF जवान महेश कुमार मीणा शहीद हो गए। मुठभेड़ के बाद कांस्टेबल महेश कुमार मीणा बुरी तरह जख्मी हुए थे, जिसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली के एम्स लाया गया था। शहीद कांस्टेबल महेश राजस्थान के रहने वाले थे।